गुलमर्ग के बारे में हमें कुछ बता दीजिएगा, आप क्या बताओगे उन्हें? ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हम बोलेंगे अगर आपने गुलमर्ग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप सब देख रहे हैं ग्रेटर नाउ और मैं हूं सैयद आमिर। आज हम आप पहुंचे हैं नॉर्थ कश्मीर बारामूला इलाके के गुलमर्ग रिसोर्ट में। गुलमर्ग रिसोर्ट में आपको पता ही है कि किस तरह से यहाँ पे आज टूरिस्टों का फ्लो दिखने को मिल रहा है और अलग अलग रियासतों से यहाँ पे जो है टूरिस्ट है और इस खूबसूरत नजारे का जो है नजारा कर रही है और अपने साथ इन खूबसूरत यादों को साथ लेके जाते हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से जो है लोग आते हैं और इन छोटे बड़े पहाड़ियों के बीचों बीच यहाँ पे प्यार मोहब्बत की महफिलें बढ़ाते हैं। देखिए उनसे बातचीत करेंगे वो टूरिस्ट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए डायरेक्टली जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सुशांत चौधरी है, मैं बिजनौर यूपी से आया हूँ। हम लोग कल शाम यहाँ पहुंचे थे, बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पे, शाम को आए, ऑलरेडी बुकिंग की, उसके बाद आज सुबह हम यहाँ पे घूमने के लिए निकले। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के, मतलब ऐसे ही कि जस्ट जैसे जन्नत बोलते हैं कश्मीर को, सेम वैसे ही फीलिंग्स है। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए कि दूसरी बार? फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर, जन्नत है लाइक। आपने कहाँ कहाँ विजिट किया अभी तक और भी कहाँ विजिट करने जा रहे हैं आगे? आगे हमने भी सोनमर्ग वगैरह जाना है, श्रीनगर में घूमेंगे यहाँ के बाद। आपके यहाँ के बारे में हम और भी जानना चाहेंगे, गुलमर्ग आपको कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत, यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में आपने बहुत सारे सफर किए होंगे, बहुत सारे खूबसूरत जगह देखेंगे, सबसे बेस्ट प्लेस आपको अभी तक कौन सी लगी? सबसे बेस्ट ये कश्मीर। अगर आपको कोई भी सवाल करेगा कि गुलमर्ग के बारे में हमें कुछ बता दीजिएगा, आप क्या बताओगे उन्हें? ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हम बोलेंगे अगर आपने गुलमर्ग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बहुत सारी चीजें आपने खाए होंगे, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसमें आपने कौन सी ऐसी स्पेशल चीज खाई होगी जो आपको अच्छी लगी खाने में? जी बताइए। आलू गोभी, आलू यहाँ का टेस्ट। भाई अगर हम बात करेंगे वादिया कश्मीर की, वादिया कश्मीर में अभी कई सारे जगहों पे और भी विजिट करने जा रहे हैं आप, आपको लगता है कि इस वादी के जैसे कोई स्पॉट हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी हम सोनमर्ग जा रहे हैं, शायद हो सकता है, बट ये जो अलग ही फीलिंग है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत जगह है। हम और भी जगह गए, घूमे हुए हैं इंडिया में, लेकिन इससे बेस्ट प्लेस आज तक कहीं देखा नहीं है। मतलब इतनी खूबसूरती, मतलब हिमाचल में भी और कहीं भी नहीं है, जितना सुना था उससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के प्लेसेस, यहाँ के बारे में सुना था कि ऐसा है गुलमर्ग वैसा है, उससे बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आज आप पहली बार यहाँ पे वादिया कश्मीर आ चुके हैं, इस जन्नत बेनज़ीर में आए हैं, अगले बार आप आने चाहेंगे? बिल्कुल, अगले साल, मतलब हम एवरी ईयर हमारा, मतलब हमारा प्लान रहेगा कि हम यहाँ पे विजिट करें। मैंने अगर हम बात करेंगे इस वादिया कश्मीर की, आज जो सफेद की चादर बर्फ की है वो बिछ चुकी है, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वह यहाँ पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि यही सीजन बेस्ट है टूरिस्टों को यहाँ पे विजिट करें या समर या विंटर सीजन अच्छा है? समर भी अच्छे, वैसे विंटर भी अच्छे, पर समर बेस्ट है। जो बर्फ से ढका होता है वो अलग ही नजारे दिखते होते हैं पूरे ना। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपने कई सारे लोगों को फेस किया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि वादिया कश्मीर में अगर जाएंगे तो यहाँ पे थ्रेट होती है, ऐसे बहुत कुछ चीजें सोशल मीडिया पे आपने देखा, आपको लगा कि वैसा कुछ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है? बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठंड है, ठीक ठाक है। यहाँ पे वादिया कश्मीर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से लोगों को डर लगता था कश्मीर आने के लिए, आपको वैसा लग रहा है? आप यहाँ पे कैसे फील कर रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, नेवर, बिल्कुल सेफ प्लेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं? बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आने में, आराम से आप विजिट कर सकते हो, रह सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कई सारे टूरिस्ट, जिनका कहना यही है कि वादिया कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, जन्नत, यकीनन जन्नत बेनज़ीर है वादिया कश्मीर है, जिसके लिए कहा गया है कि अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यकीनन यहाँ पे आएंगे और इन खूबसूरत छोटे बड़े पहाड़ियों के बीचों बीच इन खूबसूरत यादों को साथ लेके जाएंगे। किसी और स्टोरी पे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, गुलमर्ग कश्मीर से।